दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में तो ये दुनिया जानती है कि वहाँ मिलिट्री की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और वहाँ पर कई बार सेना सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है। लेकिन एक सवाल कई लोगों के जहन में रहता है कि जब भारत और पाकिस्तान एक ही वक्त पर आजाद हुए, दोनों के आर्मीज ने एक ही अकेडमी में ट्रेनिंग की, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक डेमोक्रेसी बिल्कुल खिलाफ हो गई और दूसरे ने कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया, या शायद किया भी है लेकिन आपको पता नहीं चला। क्या भारतीय आर्मी ने भी कभी सरकार को टेक ओवर करने की कोशिश की है? भारत में आज तक मिलिट्री शासन क्यों नहीं आया, आज जानेंगे हम सब। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वैसे तो जब लोगों से सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में आज तक सेना ने तख्ता पलट क्यों नहीं किया, तो कई लोग भारत के पहले सेना अध्यक्ष जनरल कारियाप्पा का बयान सामने रख देते हैं, जिसमें उन्होंने अपने जवानों से कहा था कि राजनीति एक जहर है, उससे दूर ही रहें। लेकिन पॉलिटिक्स और पावर का खेल इतना सिंपल नहीं होता जितना लोग उसे समझते हैं। इसलिए अगर आपको एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में बने रहिए, वरना बस आप ये मानकर भी खुश रह सकते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसलिए उन्होंने कभी सरकार के काम में दखल नहीं दिया। चलिए अब चलते हैं पहली वजह की ओर। किसी भी देश में मिलिट्री तब सरकार से ज्यादा ताकतवर हो जाती है जब सरकार कमजोर होती है और अपने नागरिकों को बेसिक से बेसिक सुविधाएं देने में उन्हें परेशानी आती है, जैसे कि पाकिस्तान के लाहौर में 1953 में हुआ, जहां एंटी अहमदिया राइट्स हुए थे और सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। पाकिस्तान आर्मी ने हालात को काबू में किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर बिल्डिंग्स को पेंट करने से लेकर सड़कों को ठीक करना और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को रिस्टोर करने जैसे काम भी किए। सरकार को जो काम करने में सालों लग जाते थे, वो आर्मी ने कुछ हफ्तों में ही कर दिया। इससे लोगों को समझ में आया कि आर्मी काम करने में कितनी एफिशिएंट है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में एक अजीब सा अनबैलेंस था। पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग ने अविभाजित भारत में कोई सरकार नहीं चलाई थी, जबकि कांग्रेस को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस था। मुस्लिम लीग अपने फैसलों के लिए पूरी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना पर डिपेंडेंट थी और 1948 में जिन्ना की मौत के बाद जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास अनाथ हो गई और आपस में लड़ने लगी। ऊपर से पाकिस्तान के पास खुद को संभालने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं था। विभाजन के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 सिविल सर्वेंट्स थे, जबकि भारत के पास 1400। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अविभाजित भारत की 23% जमीन थी, लेकिन सिर्फ 17% फाइनेंशियल असेट्स। कराची को छोड़कर जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री रिच शहर, वो सब भारत के हिस्से में आ गए थे, जिसकी वजह से उनके पास कोई टैक्स इनकम भी नहीं थी और पाकिस्तान के पास अपनी कैपिटल तक भी नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान को हमेशा से ये डर लगा रहता था कि भारत उन पर हमला कर सकता है, जिस वजह से उन्होंने अपने शुरुआती सालों में अपने बजट का 70% हिस्सा आर्मी को दिया, जबकि भारत ने आर्मी को शुरुआत में बिल्कुल प्रायोरिटीज नहीं दी और अपने लोगों को गरीबी से उभारने से लेकर अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने और सिटीजन्स को एजुकेट करने में अपना पैसा लगाया। वहीं पाकिस्तान हर तरफ से एक बड़े भंवर में फंसता जा रहा था। कम टैक्स इनकम से लेकर फूड शॉर्टेज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो भी ऐसी जिसमें अगले 9 साल में पाकिस्तान में 4 प्रधानमंत्री और 4 गवर्नर जनरल बदले। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1957 तक पाकिस्तान के पास अपना संविधान भी नहीं था, जिसने और कई तरह की मुश्किलें भी खड़ी की। पाकिस्तान आर्मी की पावर को वहां के पंजाबी डोमिनेंस ने काफी बढ़ाया। विभाजन से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में करीब 60% पंजाबी सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे। अब क्योंकि पार्टीशन के वक्त पंजाब का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया और साथ में आर्मी में कई पंजाबी सोल्जर पाकिस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान भी थे, इसलिए वो पाकिस्तान चले गए। अब हाल ये था कि जहां भारत में पंजाबियों की पॉपुलेशन 5% थी, यहां की आर्मी में ये रिप्रेजेंटेशन घटकर 32% हो गई और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जहां पंजाबी जनसंख्या 25% थी, वहां पर आर्मी में उनका रिप्रेजेंटेशन 72% हो गया। और ये सब वेस्ट पाकिस्तान में था। ईस्ट पाकिस्तान जहां पर 55% पाकिस्तानी जनसंख्या रहती थी, वहां की आर्मी में रिप्रेजेंटेशन 5% से भी कम थी, जो आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह भी बना। एक ग्रुप की आर्मी में डोमिनेंस का मतलब होता है आर्मी में एक ही तरह के मत का चलना, जो आर्मी को स्ट्रांग तो बनाता है लेकिन कभी कभी अटका और भटका भी सकता है।
भारत ने आर्मी को डाइवर्स करने के लिए काफी स्टेप लिए और साथ ही यहाँ के रिलीजियस और कास्ट डाइवर्सिटी हमारे काम आई। हाँ, यहाँ पर 32% आर्मी के जवान पंजाबी जरूर थे, लेकिन उनमें से 18% ही सिख थे और बाकी 14% हिंदू। सिख सोल्जर्स में से 75% जट सिख सोल्जर थे और 25% रामदासी या मजहबी सिख। इसके अलावा इंडियन इन्फेंट्री में 20% गोरखा रेजिमेंट के जवान भी थे। यानी इंडियन आर्मी एक डाइवर्स आर्मी थी जिसमें कई तरह के मतों वाले लोग थे। हाँ, ऐसा जरूर है कि फिर भी इंडियन आर्मी के ज्यादातर हाई रैंकिंग ऑफिशियल पंजाबी थे, और ताकि इंडियन आर्मी पर पंजाबी डोमिनेंस ना हो, भारतीय सरकार ने डिसाइड किया कि जो चीफ और आर्मी स्टाफ होगा उसे इस डोमिनेंट कम्युनिटी से नहीं लिया जाएगा, और 47 से 75 के बीच सिर्फ एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पंजाब से लिया गया। भारतीय सरकार ने और भी छोटे छोटे कदम उठाए जिसने ये सुनिश्चित किया कि आर्मी सरकार के दायरे में रहकर काम करे। उस वक्त 3 मूर्ति भवन आर्मी चीफ का बंगला हुआ करता था, जिसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया। फिर आर्मी चीफ को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, उसे बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया और कमांडर इन चीफ का टाइटल राष्ट्रपति के पास चला गया। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही फोर्स भारत के राष्ट्रपति के अंडर थी। इसी के साथ उस वक्त की भारत सरकार ने देश में भी इस तरह का माहौल नहीं बनने दिया कि आर्मी को मौका मिले। सरकार ने रिलीजियस बेस्ड इलेक्ट्रोल सीट्स को हटा दिया, वो रिजर्वेशन का प्रावधान लेकर आए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राज्यों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया, जिससे राज्य के अंदर के लोगों में सभी धर्मों को लेकर एक्सेप्टेंस हो। ये लैंग्वेज वाली बात बहुत जरूरी थी, क्योंकि जहां भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा और राज्यों को अपनी भाषाओं में काम करने की स्वतंत्रता दी, वहीं पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जबकि वहां के 55% लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे वो उर्दू नहीं जानते थे। और बांग्लादेश की लड़ाई में ये भी एक अहम मुद्दा रहा। भारत सरकार ने आर्मी को कंट्रोल करने के लिए और भी कई डिसीजंस लिए। आज़ादी से पहले आर्मी के पास एक मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो मिलिट्री के सभी खर्चों को देखता था, लेकिन आज़ाद भारत में इसे बदल दिया गया और आर्मी के सारे एक्सपेंडिचर हो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाए गए। इसके अलावा सरकार ने देश में पैरामिलिट्री की फोर्स को भी बढ़ाया, जिससे कि आर्मी और सिविलियंस के बीच का कॉन्टैक्ट काफ़ी कम हो गया। बहुत से रिटायर्ड आर्मी चीफ्स जो सरकार में सर्व करने की मंशा रखते थे, उन्हें अम्बेसडर्स बनाकर कनाडा, श्रीलंका और या बाकी किसी देश भेज दिया जाता था। ये सभी स्टाफ बहुत क्रूशियल थे, क्योंकि इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत अपने शुरुआती सालों में किसी आर्मी रूल के अंडर ना आए और एक डेमोक्रेसी की तरह अपनी पहचान बना सके। ये बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया मानती थी कि भारत का लोकतंत्र सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भारत का पहला इलेक्शन कवर करते हुए टाइम मैगजीन के एक पत्रकार ने तो ये तक कह दिया था कि वो भारत का आखिरी इलेक्शन कवर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत का लोकतंत्र आगे बढ़ा और उसने अपनी आर्मी की गरिमा को कम नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है, अगर भारत में मिलिट्री रूल लग जाता है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, या आप लोकतंत्र से ज़्यादा खुश हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।